पॉइंट यहाँ हो गया। आगे कुछ और डिस्कशन कर लेंगे कि जाने आने का टाइम सेम लगेगा या नहीं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। एक्सेलरेशन आने जाने दोनों जी के बराबर होगा, जाने में एक्सेलरेशन जी है, आने में एक्सेलरेशन जी है। दूसरा पॉइंट को लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट जो था, दो पॉइंट लिखे ना, दूसरा लिख सकते upward and acceleration of the object is equal to 9 meter per second square, 9.8 meter per second square downward, except over downward in upward motion as well as downward motion. अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों में एक्सप्रेशन सेम होगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। ये कुछ पॉइंट हो गया, हम इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकल। मान लो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा हो ये लग रहा है, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा हो पीडी लग रहा है, ये टाइम ऑफ असेंट होता है, पीडी टाइम ऑफ डिसेंट होता है। और जो हाइट गेन किया है वो एच के बराबर, उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, हाइट जो गेन किया क्या कहते हैं उसको। तो वैल्यू मान लेते हैं लेट, कि ये जो है टाइम ऑफ एसेंडेंट, कि ये जो है टाइम ऑफ एच जो है वो है मैक्सिमम है, यहाँ से मैक्सिमम तो यहाँ से प्रोजेक्ट की हो, यहाँ से ठीक है, वहाँ से लिख सकते मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द मैक्सिमम सिंपली लिख एच और द टी टाइम ऑफ लाइट। ये एक्चुअल में होता है ए प्लस टी डी दोनों का सम, कितना देर हवा में रहा, टाइम जाने का और टाइम आने का दोनों को जोड़ दो तो टाइम फ्लैट मिलेगा। ये डिस्कशन हमें करना है, टाइम जाने का निकालना है, आने का निकालना है, दोनों जोड़ के टी निकल जाएगा, फिर एच निकालना है, इन्हीं का फॉर्मूला निकाल के हमें याद रखना होगा क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं फ्रॉम ए टू बी, कौन सा फॉर्मूला हमारा काम आने वाला है ए टू बी में। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, और टाइम निकालना होगा टाइम अकॉर्डिंग चल लो, एच निकालना एच के अकॉर्डिंग चल लो, जो भी निकालना होगा हाइट निकालना होगा तो बी एस पर टू एस का प्लस टू एस का लगा देंगे, और अगर टाइम निकालना होगा तो बी बल्यू प्लस ए टी लगा देंगे, ये ना करेंगे एस सी बल्यू का लगना नहीं है कि बी एस पता ही नहीं है, एस तो निकालना ही है, एस तो एच का नहीं ना पता भी, एच तो निकालना ही है। तो फॉर्मूला लगा दो e square equal to u square। अच्छा acceleration है कि direction है, जो
वायलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में नेगेटिव लेते हो या तो प्लस 2 एस लोगे तो ए माइनस ले लोगे यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस बी जीरो हो गया यू स्क्वायर प्लस 2 जी का ए का वैल्यू माइनस जीरो हो जाएगा आई एच सिंस रियल इज ये टू भी मेरी कार्डेशन है केवल एक्सेशन है केवल कार्डेशन है तो प्लस माइनस ऐसे लिख देते हैं अदरवाइज दोनों जब साथ में होता है तो उसके लिए आगे बताऊंगा साइन कन्वेंशन के बाद तो देखो ए टू बी रिटार्डेशन है बी टू सी क्या है रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन है तो वहां जी प्लस में ले लेंगे तो सिंपल सा कांसेप्ट यही होता है रिटार्डेशन है तो माइनस ले लो जैसे पहले था एक्सेलरेशन है तो प्लस ले लो नो नंबर वैल्यू निकालते हैं H का वैल्यू निकालो वही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा जीएस का माइनस टू जीएच इक्वल टू यूएस का एच हो गया कितना यू एस स्क्वायर बाय टू जी इसी को एच मैक्स भी बोलते हैं मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यू एस स्क्वायर बाय टू जी इसको याद रखना है फॉर्मूला ये फॉर्मूला 1D के अलावा 2D में भी काम आने वाला है क्योंकि सेम पैटर्न पे होता है पर याद होगा तो 2D फॉर्मूला बहुत आसान से याद हो जाएगा 1D में ट्राई नहीं काम 2D में किया टाइम ऑफ लाइफ निकालना है ये निकालना फिर से बात कर लेते हैं फ्रॉम ए टू बी इसलिए फिर से ए टू बी बात करना होगा और ये निकल गया ए इक्वल टू किसी भी लगा सकते हो या बी इक्वल टू प्लस ए लगा दो बी जीरो यू एक्सेलरेशन माइनस जी टाइम कौन सा लोगे तो टी ए टू बी में टी ए टाइम लगा है ए टू बी मोशन हो रहा है तो टाइम भी टी ए लेना होगा जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी ए dTA equal to U TA कितना लग गया U value ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा U by G अब बात करते हैं नीचे आने में कितना लगेगा डायग्राम अभी छोड़ दे रहा हूँ नीचे आने का डिस्कशन किससे करना होगा तो बी टू सी से होगा कि नहीं बी टू सी बी टू सी एक्चुअल में एक्सेलरेशन है वेलोसिटी उधर बढ़ रहा है
हमें टाइम निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा होगा कि वेलोसिटी नहीं पता, ध्यान दें दूरी पता है, इसमें गया होगा कहीं ना आया होगा, तो दूरी पता है तो कौन सा लगाएंगे, इस पर ड्यूटी लगा दो, वेलोसिटी नहीं पता दो यू यू होता है, आगे बात करेंगे, अभी तक निकाले नहीं हम लोग, आगे निकालेंगे, तो एस इक्वल टू लगाएंगे, एस इक्वल टू यू कहां का लेना है, ध्यान दें बी पॉइंट का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी पॉइंट का वेलोसिटी लेना बी टू सी में, यानी कि यहां वाला बताया हूं ना जो डिस्कशन उसके अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी बी टू सी सोलो कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी बी का लेना होगा, यू यहां का नहीं ले सकते हो गलत हो जाएगा, तो वेलोसिटी बी का कितने के बराबर है, जीरो, एस या एच मैक्स के बराबर होगा, जो जाने का वही आने का, दोनों दूरी बराबर है, जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन प्लस में जी होगा और पी डी का होल स्क्वायर, तो सिंस ए बी दूरी जो है बी सी के बराबर होगा जो कितना होगा एच मैक्स, एंड बी टू सी एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में कर दिया गया, कैलकुलेशन से ना ब्रैकेट में अपना कर दो, इसको कैलकुलेट करो, एच मैक्स का वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करके देखो तो इतना ही आ रहा है क्या, पी एस पी डी, पी ए और पी डी बराबर आएगा, कैलकुलेट कर लेना, तो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होता है, एयर को निगलेक्ट किया गया तब जाके ऐसा दोनों समय बराबर होता है, या निगलेक्ट वैल्यू कितना है, एच मैक्स का वैल्यू जो था जी बाई टू एच मैक्स रहता है यू स्क्वायर बाई टू जी, टू से टू हट गया, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर है टी डी स्क्वायर के बराबर हो गया, टी डी जो है किसके बराबर होती है, यू बाई जी के बराबर होगा जो कि टी ए के बराबर है,
ये फॉर्मूला वाइज जाना होगी, टी ए टी डी बराबर होता है दोनों यू बाई जी के बराबर होता है, और टाइम फ्लैट कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो होगा कैपिटल टी जो है टी ए प्लस टी डी है, डी बाई जी जाने का यू बाई जी आने का, यू बाई जी हो गया कैपिटल टी का वैल्यू हो जाएगा टी बाई जी, ये टाइम स्पेंड रहेगा टाइम प्लस हो गया टी यू बाई जी, ये फॉर्मूला है। बी सी निकाल सकते हो क्या, बी सी निकालोगे तो बोलो कितना आएगा, ये भी कर दे रहा हूँ, कौन सा डिस्कशन है बी टू सी डिस्कस कर लो, कौन सा फॉर्मूला बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी सी इक्वल टू बी बी प्लस ए टी, यू तो यहाँ का नहीं है ना, बी सी ले रहे हो तो बी बी ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ध्यान रहे हमेशा, बी सी निकालना है यू बी बी जीरो एक्सेलरेशन जी के बराबर, टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर है, क्या यू बाई जी है, लो टाइम ऑफ डिसेंट कितने बराबर है यू बाई जी, जी से जी हट गया तो बी सी किसके बराबर हो गया, ये भी एक ध्यान रखना है, जितना वेलोसिटी से तुम थ्रो करोगे उतना ही से वो स्ट्राइक करेगा, सेम वेलोसिटी स्पीड होता है, इफेक्ट वेलोसिटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्शन स्पीड सेम होता है, स्पीड जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किए होगे उसी स्पीड से वो स्ट्राइक किया होगा, नोट डाउन कर लो, ये ओवरऑल डिस्कशन हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, इसे थोड़ा सा और कुछ समराइज करूंगा देन फिर टावर से डिस्कशन करेंगे, टावर से लेकर क्या होगा, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं डिस्कशन को, जाने का पाप का जाने का दूर वाला स्थिति से
देखिए हो गया यहाँ न्यू सेमी स्ट्राइक होने वाला है। जो समय जाने का लगता है वही समय आने का होता है। बी पॉइंट पे टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी होता है जीरो होता है। उसके बाद बीच का कोई डिस्कशन अगर करो नहीं मान लो यहाँ पे टीवी तो ये होना चाहिए जो स्पीड ऊपर होगा वही स्पीड नीचे होना चाहिए सेम लेवल ना हो गया। तो सेम लेवल में अगर बीच में लेके चलोगे तो जो स्पीड ऊपर में होगा वही स्पीड इधर होगा नीचे दोनों स्पीड सेम होगा। यहाँ पे बी वन है बी वन है सेम लेवल में जो स्पीड ऊपर जाने का होगा वही स्पीड क्या होगा नीचे आने का सेम लेवल में। अगर दो पॉइंट का टाइम लेना मान लो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेना ये वाला यहाँ टाइम अगर ये पी वन लगा होगा उसी इंटरवल में नीचे गिरने का भी टाइम नहीं लगेगा। पी टू फिर पी वन थोड़ा सेम इंटरवल जो जाने का समय लेगा वही आने का क्योंकि टोटल टाइम बराबर है तो यहाँ से भी बराबर होगा कहीं से भी बराबर होने वाला है। जो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम बराबर है ना आने का टाइम तो यहाँ से यहाँ जाने का हो यहाँ आने का हो ये यहाँ से जाना यहाँ से आना कोई भी इंटरवल लोगे दोनों तो बराबर ही आने वाला है। तो जो जाने का टाइम होगा वही आने का टाइम होगा ये भी एक ध्यान रखोगे और टोटल टाइम तो बराबर है ही। ये TA है और ये TB है। TB जो है TA के बराबर है TA जाने का समय है TA जाने का समय है TD आने का समय है। ये तो पूरा तो टाइम बराबर होगा ही बीच का भी कोई इंटरवल लोगे तो भी टाइम जो है जाने और आने का सेम होगा ये भी एक डिस्कशन ध्यान रखोगे। नोट डाउन करो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा उसके बाद जो इसका सेकेंड है उसके बाद अगर टावर से नीचे फेंका गया ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड टॉप ऑफ ए टावर टावर के टॉप से ऊपर की ओर फेंका जाए एक होगा नीचे की ओर देखते इसमें क्या फॉर्मूला रखेगा टावर के टॉप से देखोगे तो देखो क्या बनेगा यूएसपी से फेंका गया इस तरह से जाएगा डॉट से क्या करेगा पीडीयू से
यहाँ पे स्ट्राइक किया होगा कुछ गलत से। ये आई टच के बाद मान देखो यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखना होता है, जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पे बनता है निकालना, जो अपन निकाल सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी मान यहाँ ए गया है, वेला बी गया है, सी यहाँ नीचे है, बी पे वेलोसिटी फिर जीरो होगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर जाने का टाइम तो वही रहेगा, नीचे आने का टाइम वही रहेगा क्या? नहीं रहेगा, सेम लेवल में जाने आने का टाइम वही है, यहाँ पे ज्यादा समय लगने वाला है नीचे आने में, ये वेलोसिटी भी इसके बराबर नहीं होने वाला, सेम लेवल में था वेलोसिटी भी नहीं होने वाला, टोटल टाइम हम लोग को निकालना है। अच्छा ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना होगा, वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, ये जो एच मैक्स है वो तो वही रहेगा ना जो पहले था, एच मैक्स जो होगा यू स्क्वायर बाय 2g होगा, ये है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से फेंके वहां से मैक्स हाइट, मैक्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड क्या होगा, लैंग्वेज पढ़ लो तो बहुत बार मैक्सिमम ग्राउंड से पूछा जाता है, एच प्लस एच मैक्स हो जाएगा, एच क्या है टावर का है, एच क्या है हाइट ऑफ टावर, एच प्लस यू स्क्वायर बाय टू, हाइट ऑफ द टावर स्मॉल एच जो है हाइट ऑफ टावर, ये तो हाइट निकल गया, हाइट तो डायरेक्ट निकल गया, हाइट से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं था कि मैक्स हाइट कितना होगा, तो टावर का हाइट मैच में जोड़ दो ग्राउंड से, टाइम कैसे निकलेगा, तो देखो दो पार्ट में इतनी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ का टाइम निकल जाए टी ए और टी टी, उतना नहीं होने वाला, टी ए जो टाइम है ये टी ए हो गया, टी टी हो गया, यहाँ से टी ए जो है ये होता है टाइम ऑफ असेंट, ये तो यू बाई जी हो जाएगा, लेकिन टी टी जो है टाइम ऑफ डिसेंट, ये ग्रेटर देन यू बाय जी, ये ज्यादा डेप्थ आया है ग्रेटर देन यू बाय जी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो यू बाय जी से बड़ा आने वाला है, यू बाय जी तो नहीं रहेगा। एक तो तरीका है तुम्हारा ये वैल्यू निकल ही गया, यहां पर रूल लगा दे इसको यू प्लस आर के इसका टीडी निकल जाए, टी टीडी है, टीडी निकल जाएगा और फिर दोनों को जोड़ दोगे तो टाइम फ्लाइट निकल जाएगा, from B to C formula लगा दो, S equal to velocity B का time D plus half A into B D का square, S क्या हो जाएगा H max plus H velocity B का zero half expression G के बराबर into B D का square, PD कितना हो जाएगा अंडर 2 एच मैक्स प्लस एच डिवाइड बाय 2, ये PD होगा, दोनों जोड़ोगे तो टाइम फ्लाइट निकल जाएगा, एक तो तरीका ये है टाइम फ्लाइट निकालने का, तो ये करना होगा, तो ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, तो लंबा चौड़ाइए कैलकुलेशन कैसे किया जाए ध्यान देना,
तो दोनों को जोड़ोगे तो टाइम ऑफ लाइफ क्या है? टीडी को सिंपलीफाई कर सकते हो, टीडी क्या हो जाएगा 2 एच मैक्स इसके बराबर है, ये स्क्वायर बाय 2 जी प्लस एच डिवाइड बाय जी, 2 मल्टीप्लाई कर दो ये स्क्वायर बाय जी प्लस 2 एच डिवाइड बाय जी, एलसीएम ले लो ये स्क्वायर प्लस 2 जी एच डिवाइड बाय जी स्क्वायर अंडर US का प्लस 2 जीएस को डिवाइड बाय टाइम ऑफ लाइफ क्या आ जाएगा? चाहो तो इसको ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हो, टाइम ऑफ लाइफ टी क्या होता है? टीए प्लस टीडी, टीए कितना है? यू बाय जी, टीडी कितना है? अंडर US का प्लस 2 जीएस बाय जी, यू तो आना नहीं है, यू से थोड़ा ज्यादा वैल्यू आना है, ये वाला वैल्यू हो गया, ए टाइम ऑफ लाइफ यू प्लस अंडर रूट है, या अलग अलग भी याद रख सकते हो, यू बाई जी है या यू आना चाहिए कि यू नहीं है, कितना है? यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच हो गया अंडर रूट डिवाइड बाई, ये टाइम ऑफ लाइफ का फॉर्मूला है। तो यहाँ यू बाई जी, अभी यू बाई जी आता जब ये वाला एच नहीं होता तो ये जीरो हो जाता तो अब फैक्टर क्या अंडर टी एस का प्लस 2 जी एच बाई जी, यू के जगह इतना फैक्टर आ जाएगा, अगर याद रख सकते हो तो रख लोगे डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, टाइम बच जाएगा, अगर याद रखोगे तो यू के जगह क्या फैक्टर आ रहा है? अंडर रूट यू एस का प्लस 2 जी एच, यू बाई जी जाना, यू बाई जी आना था लेकिन आने वाला यू बाई जी नहीं रह गया, कितना रह गया? अंडर रूट यू एस का प्लस 2 जी एच बाई, फॉर्मूला का बताइए मेरे पे टाइम बचाने के लिए, फॉर्मूला याद करोगे टाइम बच जाएगा, नहीं याद करोगे इस तरह सोल्व करना होगा जैसे कि बताया दो पार्ट लेके, तो नोट डाउन कर लो, ये टावर से फेंकने का डिस्कशन हो गया ऊपर की ओर, टावर से जब नीचे फेंकेंगे तब की बात करेंगे, और यही टाइम एक और डिस्कशन से करूंगा, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, दो पार्ट में लिखी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट के लिए साइन यूज करना होता है प्लस माइनस वाला, दो पार्ट में ऐसा जरूरत नहीं होता है, तो आगे बात करेंगे अगले क्लास में क्या उसमें है डिस्कशन में, नोट डाउन करो अगले क्लास में मिलते हैं। Thank you.